Assalamualaikum student, welcome to MCPS online classes. My chapter name is Life in Water, chapter 11. I will continue my chapter. In our previous class, we have to learn about aquatic animal and plant and a list of aquatic animals, aquatic plants. We have to learn about fish and we have to learn about aquatic plant. Mein lotus ke baare mein humne padha tha, right student? How do they live in water? ये water में कैसे live करते हैं, कैसे survive करते हैं? अब today हम आज today क्या पढ़ेंगे? Iconia plant, जलकुंभी plants के बारे में पढ़ेंगे. जलकुंभी plants क्या होता है? जलकुंभी plants वो plants होते हैं जो waters में ही रहते हैं. जो पानी में रहने वाले plants क्या कहलाते हैं? जलकुंभी plant. Okay student. और कुछ questions है. Which is the plant completely submerged in water and how do these leaves look like? कि किस तरीके से ये पॉटर में मर्ज रहता है और कैसे इनका लुक होता है ये हमें बताना है. ओके और नेक्स्ट इज हाउ डू द लीव प्लांट इन फ्लोइंग वाटर लुक्स लाइक. किस तरीके से इस प्लांट्स की फ्लोइंग वाटर में कैसा लुक होता है ये बताना हमें इस चैप्टर में. ओके स्टूडेंट, तो हमें इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आंसर है. इसके आंसर क्या है हमारा कि जलकुंभी प्लांट विच आर द प्लांट कम्प्लीटली सबमर्ज. कि जल में डूबा हुआ पूरा पौधा कैसा दिखाई देता है. जलकुंभी इज कम्प्लीटली सबमर्ज इन अवर लीव राउंड इन कलर. हाउ डू दे लीव द प्लांट. द लीव ऑफ प्लांट इन फ्लोइंग वाटर लुक लाइक अ रिबन्स. हाउ डू दे लीव द प्लांट फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर लुक लाइक. इनका वाटर में कैसा फ्लोटिंग होता है. द लीव ऑफ प्लांट फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ लुक लाइक ब्रॉड ऑयली एंड फ्लैसी. Why are the leaf of the lotus plant broad? कि कमल की पौधे पत्तियाँ चौड़ी क्यों होती है. क्योंकि लोटस के प्लांट की पत्तियाँ ब्रॉड होती है, फैली हुई होती है. उसका रीज़न क्या होता है. दे गिव सपोर्ट ऑफ लोटस फ्लावर एंड फ्लॉट ऑन द वाटर. वाटर में फ्लॉट करना. फ्लॉट का मीनिंग क्या होता है. What is the meaning of float? तैरने के लिए. Why are the leaf of plant of flowing water very narrow like a ribbon? कि बहते हुए जल के पौधों की पत्तियाँ रिबिन के समान पतली क्यों होती है. इससे क्या होगा, वो इजीली फ्लोटिंग करेंगे. ओके, विच एक्वेटिक प्लांट इज सो इन द पॉन्ड. कौन कौन से ऐसे एक्वेटिक प्लांट है जो पॉन्ड में दिखते हैं. लैक्स है, रिवर है, वो अलग चीज़ है. पॉन्ड्स अलग चीज़ होती है. ओके, तो जलकुंभी प्लांट होता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो आपको लर्न होना चाहिए वाटर या जलकुंभी बोल सकते हैं या हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसका एक अदर नाम क्या है, Iconia plant. Okay, if the entire ponds gets covered the kumbhi plant, what will happen? क्या होगा? No one more can be seen in the water. What degree will the other aquatic plant have if the ये आपको नहीं करना. ओके, अब देखो ये कुछ क्वेश्चन है. Name two an aquatic animal, fish and tortoise. Okay, जलकुंभी एंड लॉटस क्या है, aquatic plant है. और aquatic plant और animal की अगर list पूछ ली जाए आपसे तो क्या है, aquatic animal में fish है, frog है, tortoise है, snake है, crocodile है. ओके, एक्वेटिक प्लांट्स में क्या आएगा, वाटर लिली, लॉटस, जलकुंभी, एल्गी एक्सेट्रा. तो ये आपको लर्न करना है. ये क्वेश्चन आंसर देखो, ये जो क्वेश्चन आंसर है ना वो मैंने आपको यहाँ पे करवाए हुई है. ओके, तो आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न करना है. इट्स वेरी इजी. ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट.